हेलो स्टूडेंट हम लोग इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये जान के काफ़ी खुशी मिल रही है कि आप इस सीरीज को काफ़ी लाइक like कर रहे हो लेकिन अगर इस करंट अफेयर से रिलेटेड किसी भी करंट अफेयर से रिलेटेड यदि आपको लगता है कि कोई स्टैटिक पोर्सन में आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन पर लिखें मैं उसके लिए एक अलग से सेशन बनाऊँगा और आपके वो सारे डाउट्स में क्लियर कर दूँगा चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स में तो जो हमारा करंट अफेयर्स है फिनटेक फॉर्म्स एन बी एफ सी को लेंडिंग बिज अंडर स्ट्रेस आफ्टर एन बी आई आर एक्शन अब देखिए हो सकता है कि ये करंट अफेयर्स का जो न्यूज़ है ये आपको समझ में नहीं आ सकता हो पहली बात इस करंट अफेयर्स से जो रिलेटेड जो टॉपिक है स्टैटिक टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है प्लस इस करंट अफेयर्स को समझने के लिए वो है आपका एन फिनटेक और आर और थोड़ा बहुत हम लोग समझेंगे एम के बारे में ठीक है अब देखिए जो हमारे इंडिया में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके दो हैं एक आपके बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और एक आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें ये सारे कॉमर्शियल बैंक सब, सब आ जाते हैं कोपरेटिव बैंक सब आ जाते हैं जैसे एस है पी एन अलाहाबाद बैंक बैंक ऑफ इंडिया ये सब आते हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में दूसरी तरफ है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में जैसे एग्ज़ाम्पल में एल अब ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में अंतर क्या है देखिए जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है ये आपको बहुत सारे बैंकिंग सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है लेकिन वो सारे बैंकिंग फैसिलिटीज आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता जैसे लेसन जैसे कि आप एस में जाते हो तो आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो करेंट अकाउंट खुलवाते हो एफ खुलवाते हो तो ये सब जो आपके डिमांड डिपॉजिट और जो करेंट डिपॉजिट है ये सब एक्सेप्ट होते हैं कमर्शियल बैंक bank में बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में लेकिन नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में ये इस टाइप के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं तो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एक्चुअल में करता क्या है तो ये लोन लेंडिंग एंड एडवांसेस आपको प्रोवाइड करता है ये इंश्योरेंस फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराता है जैसे एल तो एल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जबकि एस बी बी क्या है आपके बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जितने भी बैंक हैं ये सारे के सारे बैंक आपको चेक अवेलेबल करवाते हैं जबकि नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आपको कभी चेक अवेलेबल नहीं करवाएंगे कभी आपने यह नहीं सुना होगा कि LIC आपको चेकबुक दिया हो लेकिन SBI PNB जितनी भी बैंक है ये सब आपको चेक अवेलेबल करवाता है अब डाउट यहीं पे है डाउट यहीं पे है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लेंडिंग फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है लेकिन जो आपके फिनटेक है जितने भी फिनटेक हैं ये फिनटेक के पास लेंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने की फैसिलिटी नहीं है आर की तरफ से ये टोटली totally बैन है कि एक फिनटेक कंपनी किसी भी टाइप का क्रेडिट अवेलेबल नहीं करवा सकता जबकि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी करवा सकता है ठीक है तो क्या हुआ भाई साहब भाई यही हुआ कि ये फिनटेक और जो एन है और ये दोनों हैंडसेक कर लिए और दोनों हैंडसेक कर लिए और दोनों ने मिलकर स्टार्ट कर दिया कौन सा को लैंडिंग फिनटेक कर नहीं सकती है और एन कर सकती है दोनों ने हैंडसेक किया और जिसकी वजह से लैंडिंग देना स्टार्ट किया लेकिन लैंडिंग देने में बुराई क्या थी बुराई तो कुछ नहीं थी लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने जो चार्ज करना स्टार्ट किया जो भारत के लोगों पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा था जिसकी वजह से आर ने इस पर बैन लगा दिया यही है हमारा करंट अफेयर्स करेंट अफेयर्स हमारा ये कहता है फिनटेक फॉर्म्स एन बी एफ सी को लैंडिंग इन दोनों ने मिलकर जो कोल लैंडिंग फैसिलिटी अवेलेबल करवाया अब ये दोनों लोग स्ट्रेस में आ गए हैं क्योंकि आर बी आई ने बैन लगा दिया आई होप सो कि ये करंट अफेयर्स आपको समझ में आ गया होगा और याद भी रहेगा कि एक्चुअल में ये मैटर क्या था तो अब हम लोग समझते हैं इस करंट अफेयर्स के इन डिटेल्स में क्या है वाई इन न्यूज फिनटेक फर्म्स विच रिलाय ऑन कोलैंडिंग पार्टनरशिप विथ लार्ज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी कुड बी इन इन फोर मोर स्ट्रेस आफ्टर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्शन ऑन नवी एंड डी एम आई ये दो ये दो हैं हमारे आपके नवी और डी एम आई फाइनेंस ये नवी और डी एम आई फाइनेंस बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सप्लॉयड कर रहे थे और इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से आर बी आई ने बैन लगाया और ये दोनों लोग इस्ट्रेस में आ गए तो यही है हमारा करंट अफेयर्स अब हमको थोड़ा सा बात यह समझना है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ व्हाट इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनी है इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था नाइनटीन कंपनीज एक्ट कंपनीज एक्ट 1956 और आर के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था जो करती क्या है तो ये करती है ये लोन्स एंड एडवांसेस अवेलेबल करवाती है और उसके बदले उसके बदले ये शेयर स्टॉक बॉन्ड डिबेंचर्स मतलब कुल मिला के ये बोले तो बॉन्ड शेयर डिबेंचर्स का ये डील करती है और उसके बदले ये लोन और एडवांसेस अवेलेबल करवाती है ये एनबीएफसी का काम है एनबीएफसी लेंड एंड मेक इन्वेस्टमेंट एंड एक्टिविटीज आर एक टू डेट ऑफ बैंक मतलब देखने से यही लगता है कि जो एनबीएफसी है वो बैंक के जैसा ही है लेकिन एक्चुअल में ये बैंक जैसा नहीं है हाउ ईवर देर डिफरें एनबीएफसी कांट एक्सेप्ट डिमांड डिपोजिट एनबीएफसी कभी भी डिमांड डिपोजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है आप सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकते हो आप सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकते हो आप करेंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते हो एन बी एफ सी डो नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट एंड कैन नॉट इशू चेक ये कभी भी चेक इशू नहीं करवाती है तो ये एक बेसिक डिफरेंस है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का और आपके नॉर्मल बैंक का ठीक है अब चलते हैं हम लोग का दूसरा करंट अफेयर्स जो आज का मेरा दूसरा करंट अफेयर्स है वो है बूस्टिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम एम ठीक है आप एमएसएमई के बारे में बहुत कुछ सुने होंगे तो सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि एमएसएमई से रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन कौन कौन से हैं सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना होगा तो इकोनॉमिक्स में एक कंप्लीट चैप्टर ही है इंडस्ट्री जो मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार मेन्स में क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एम से सो so, इंडस्ट्री को आप अच्छे से रिकॉल कर लेंगे और दूसरा बात एम एस एम ई तो एम एस एम ई के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पहले सीखते हैं फिर हम लोग आएंगे इस करंट अफेयर्स पे तो करंट अफेयर्स एक्चुअली में है क्या बूस्टिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम एम एस एम ई तो एम एस एम ई के रास्ते से हम भारत सरकार जो है वो एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करना चाहती है बढ़ाना चाहती है तो पहले हम लोग थोड़ा बहुत समझते हैं एम एस ई के बारे में देखिए एम एस एम ई जैसा इसका नाम है माइक्रो स्मॉल और मीडियम माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस इसका फुल फॉर्म होता है तो जरा हम लोग समझते हैं कि ये M का, मतलब, M का मतलब क्या है, मतलब है, मतलब है। देखिए अगर हम बात करेंगे माइक्रो की तो माइक्रो में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इन्वेस्टमेंट कैन नॉट एक्सीड वन करोड़ एक करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है अगर हम टर्न ओवर की बात करें तो टर्न ओवर पाँच करोड़ से ज़्यादा का नहीं हो सकता तो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है कौन माइक्रो है कौन स्मॉल है कौन मीडियम है यह ऑन द बेसिस ऑफ पहला तो है हमारा इन्वेस्टमेंट और दूसरा है टर्न हम कितना उसमें लागत लगाएंगे क्या मेरा टर्न होगा इसके बेसिस पे ही माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को क्लासीफाई किया गया है अगर हम सेकेंड बात करेंगे स्मॉल की तो स्मॉल में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और जो टर्नओवर है वो टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए तो सर अगर बात यही है कि अगर ये हो गया तो क्या करेंगे अगर ये हो गया तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा और उसके अकॉर्डिंग आपके टैक्स रिजीम अलग अलग चेंज होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको फैसिलिटीज़ अलग अलग मिलेंगी जो सरकार की तरफ से जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती है वो चेंजेस होंगे थर्ड है आपका मीडियम मीडियम में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना होना चाहिए और जो टर्न ओवर है ये 250 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए तो सबसे पहले आपके स्टेट पी में यही क्वेश्चन आ जाएंगे कि माइक्रो में माइक्रो में इन्वेस्टमेंट और टर्न ओवर क्या कंडीशन है स्मॉल पे क्या है और मीडियम में इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर पे क्या रिस्ट्रिक्शंस है ये आपको समझना जरूरी है ये स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं और आ सकते हैं ये बात समझ में आ गई अब हम लोग पहुंचते हैं करंट अफेयर्स में करंट अफेयर्स कहता है कि बूस्टिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम एमएसएमई तो एमएसएमई के रास्ते से एमएसएमई के रास्ते से भारत सरकार ये चाह रही है कि हम एक्सपोर्ट को राइज करें समझिएगा की डिटेल्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस आर द लाइफ ब्लड ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूटिंग ए सिग्निफिकेंट थर्टी फोर पॉइंट थर्टी थ्री पॉइंट फोर परसेंट ऑफ जी डी पी मतलब ये कि हमारे देश का जो टोटल जीडीपी है उस टोटल जीडीपी का 33.4 परसेंट अकेले कंट्रीब्यूट करता है कौन एमएसएमई? इसलिए इंडियन इकोनॉमी के लिए एमएसएमई का एक अलग ही जगह है अगर बात करेंगे कितने लोगों को यह इंप्लाई दे रहा है तो यह 120 मिलियन पीपुल को यह इंप्लायमेंट प्रोवाइड कर रहा है ठीक है हाउईवर दे शेयर ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट रिमेन मोडेस्ट हाउरिंग फोर्टी एट परसेंट अराउंड मतलब ये कि इंडिया से जितने भी एक्सपोर्ट होते हैं उस टोटल एक्सपोर्ट का 48 एट परसेंट होता है किसके थ्रू एम एस एम ए के थ्रू नाउ अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यही चाहती है नीति आयोग ने बोला नीति आयोग ने बोला कि ये जो परसेंटेज है इस परसेंटेज को हम इनक्रीज करना चाहते हैं बूस्टिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम एमएसएमई तो ये जो 48 परसेंट है इस 48 परसेंट को हम इंक्रीज करना चाहते हैं बूस्ट करना चाहते हैं जो जो डिफिकल्टीज एम एस एम ई फील कर रही है उस डिफ़िकल्टीज को दूर किया जाएगा सॉर्ट आउट किया जाएगा और एक्सपोर्ट का परसेंटेज राइज किया जाएगा यही है हमारा करंट अफेयर्स आज का जो एम एस एम ई से रिलेटेड है इतनी बात क्लियर है ठीक है तो ये रहा हमारा टोटल आज का करंट अफेयर्स आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी स्टैटिक पोर्सन में आपको डाउट हो इंडियन इकोनॉमी में किसी भी चैप्टर में आपको कोई डाउट लगता है आपको लगता है कि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझ में नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन पर लिखें उस कमेंट सेक्शन पर मैं देख मैं ज़रूर देखता हूँ और देख के मैं एक नया वीडियो बनाऊँगा और नया वीडियो बना के वो जितने भी आपके डाउट हैं वो सारे डाउट्स मैं आपको सॉल्व कर दूंगा ओके मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स के सेशन में थैंक यू